हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजेसर्स एकेडमी। तो गाइज, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो रिसेंटली निकल के आई है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका रिसेंटली एसएससी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, और कहीं बात ये जा रही थी कि आपका जो रिजल्ट है वो इंटरनल असेसमेंट पे बनने वाला है। उस चीज़ को लेके जब से ये एग्ज़ाम कैंसिलेशन का न्यूज़ वर्षा गायकवाड़ जी की तरफ से आया है, पूरा का पूरा एजुकेशनल डिपार्टमेंट और काफ़ी बच्चे काफ़ी टेंस है, काफ़ी टेंशन में इस बात को लेके कि उनका किस बेसिस पे रिजल्ट बनेगा। तो इसी चीज़ को प्रॉपरली करने के लिए रिसेंटली एजुकेशनल डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक सर्वे जारी किया है, जिस सर्वे के अंदर वो लोग ये पता लगाना चाहते हैं कि कितने लोगों को किस तरीके का असेसमेंट पसंद है। तो उन्होंने क्या किया है कि बेसिकली दो सर्वे लिया हुआ है। एक सर्वे उनका जो है वो इंटरनल असेसमेंट के लिए है, जो उनका दूसरा सर्वे होगा वो सीईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। ये जो सीईटी एग्ज़ाम होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये आपका एफआईजीसी एडमिशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो रिजल्ट बन पाना पॉसिबल नहीं है। तो वो लोग सीईटी का एग्ज़ाम लेके आपका एक प्रॉपरली रिजल्ट बनाएंगे, जिसके बेसिस पे आपका एफआईजीसी का एडमिशन मिलने वाला है। वहीं पर दूसरी बात करूँ इंटरनल असेसमेंट का, तो उन लोगों ने इंटरनल असेसमेंट के लिए भी चीज़ें बनाई कि किस तरह का इंटरनल असेसमेंट आपका होने वाला है और इंटरनल असेसमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो इंटरनल असेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो उन लोग कहते हैं कि जो आपका ऑनलाइन क्लासेस हुआ था तो बच्चों ने कितना ऑनलाइन क्लास अटेंड किया था और नहीं किया था, इस बेसिस पे वो लोग डिसाइड करेंगे। और किस तरह का व्हाट्सएप बेस्ड टीचिंग हुआ था, ऑनलाइन टेस्ट कैसा हुआ था, जो टर्म एग्जामिनेशन है वो किस तरह का परफॉर्मेंस था, जो स्कूल ने प्रैक्टिस टेस्ट लिया था वो किस तरह का था, तो ये सारे कुछ क्राइटेरिया को सामने रखते हुए वो लोग इंटरनल असेसमेंट वाली चीज़ें करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों को इनसे भी प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन लेक्चर्स के ऊपर अगर वो लोग इंटरनल असेसमेंट करेंगे तो बहुत सारे बच्चे गांव में रहने के वजह से आप प्रॉपरली ऑनलाइन लेक्चर नहीं अटेंड कर पाए, बहुत सारे लोगों के पास नेटवर्क इशू थे, बहुत सारे बच्चों के पास फाइनेंशियल इशू होने के कारण उनके घर में फ़ोन नहीं थे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो बच्चों ने पूरे साल फेस किया। इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से अगर उन बच्चों का मार्क्स कम आता है तो ये कहीं ना कहीं सही बात नहीं है, देख लेंगे ये चीज़। दूसरा, उन्होंने सर्वे जो किया है वो सीईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड किया है। ये सर्वे काफ़ी ठीक है, अगर वोट करने मिले आपको तो सीईटी एग्ज़ाम के लिए सही बात है, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगी कि सारे लोगों को एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम दे के अगर कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो ये प्रॉपर डिसीजन होगा। सीईटी का एग्ज़ाम ले के एडमिशन सारे लोग ले सकेंगे और ये काफ़ी अच्छा डिसीजन होगा। तो ये जो आपका न्यूज़ ये निकल के आया था, ये सर्वे के ऊपर न्यूज़ था कि किस तरह से सर्वे वो लोग कंडक्ट कर रहे हैं। आगे आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए अगर वो लोग बोलेंगे, फाइनल की सीईटी के लिए बोलेंगे, वो न्यूज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और आपका सीईटी और इंटरनल असेसमेंट किस तरह का सिलेबस होगा, क्या चीज़ें आपको पढ़ के इंटरनल असेसमेंट और सीईटी में स्कोर करना है, उससे भी रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी के इस वीडियो में बस यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी एट होम।